हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट. वेल, इट्स मी माही चौहान और आप लोग हैं मेरे चैनल मिस चौहान के ऊपर. वेल, ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो होने वाला है. मैंने काफ़ी सारे शॉर्ट्स बनाए हैं बट लॉन्ग वीडियो ये मेरा फर्स्ट है. तो जस्ट मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मुझे बहुत सारा सपोर्ट करो. तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या होने वाला है. एज कैप्शन पढ़ के आप समझ ही गए होंगे, ये है एक अनबॉक्सिंग वीडियो. और इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स करने के लिए लाइक मैं कब से इंतज़ार कर रही थी. बहुत लॉन्ग टाइम से मैंने वेट किया है कि मैं इस प्रोडक्ट को मंगवाऊँ और यूज़ करूँ. एज एन प्रोफेशन आई एम एन एंकर, आई एम एन होस्ट, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और ये प्रोडक्ट मेरे बहुत काम में आने वाला है, बहुत यूज़ होने वाला है. तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो. ओके गाइस, सो दिस इज द बॉक्स विच आई गॉट फ्रॉम नायका और काफ़ी बड़ा और काफ़ी भारी बॉक्स है. तो चलो इसको साथ में अनबॉक्स करते हैं. मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है इसको देखने के लिए. इट्स बीन अ ईयर, मैं एक साल से ये चाहती थी. बट फॉर अ पीपल लाइक मी, एक मिडिल क्लास फैमिली से होकर इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. बट फाइनली बहुत सारी सेविंग करने के बाद में मैंने ये मंगा लिया है एंड लेट्स अनबॉक्स इट टुगेदर. का बॉक्स आया है इसके अंदर. दिस इज, तो चलो इसे निकालते हैं. पहले आया है ये कुछ कचरा एंड नाउ द टाइम इज टू रिवील बेस्ट थिंग एवर. यार ये बहुत भारी है. ओह माय गॉड, चलो इसको भी खोलते हैं. अच्छा, इसके अंदर एक और बॉक्स है. ये तो इस बॉक्स के ऊपर यहाँ पे पूरा डिटेलिंग दिया हुआ है कि ये कौन से कलर का है. मैंने इसको ग्रे, गोल्डन एंड ब्लू कलर के अंदर मंगवाया था, तो ये वो है. और बाकी सारा डिटेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है और सामने बना हुआ है ये इसका पूरा लोगो एंड यहाँ लिखा हुआ है नाम डायसन एयरवेप कंप्लीट. ओके, बकवास नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या है. आई जस्ट कांट वेट टू सी द एक्चुअल थिंग. मेरी तो जानी अटक गई थी. ओके, हम आराम आराम से करेंगे, एक्साइटमेंट में ऐसा ना हो कि सब ऐसे गड़बड़ हो जाए. सो हियर वी गो. ऐसा ये एक बॉक्स आया है. नाउ लेट मी शो यू किसके अंदर क्या है. सबसे पहले है ये बॉक्स एंड मैं अपने कैमरे का एंगल डाउन कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये कैसे अंदर से आया है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. ओके, तो अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, किस तरीके का स्टफ आया है, कैसा रखा हुआ आया है. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले ये बॉक्स है, ये अटैचेबल नहीं है, ये डी अटैचेबल है, ऐसे ये बिल्कुल अलग हो जाता है. ओके, तो आया है सबसे पहले इसमें ये एक वेलकम टू डायसन एयरवेप मल्टी स्ट्रैलर और कुछ ऐसे डायसन के नए प्रोडक्ट्स. ये एकदम स्पंजी है ताकि अंदर वाले प्रोडक्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचे. आई मस्ट से इन्होंने पैकेजिंग पे काफ़ी खर्चा किया है. हाँ, और उसके बाद उसके ऊपर ये एक और कवर इन्होंने दिया है जो प्लास्टिक का है. आई गैस, हाँ ये प्लास्टिक का कवर है जो इन्होंने इसके ऊपर दिया है डायसन के ऊपर. और इसके बाद ये रहा हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट.
Oh my god, look at this beauty guys. Oh my god, और इसके साथ में है ये इसके सारी ब्रशेस. ओके, तो अनबॉक्सिंग तो हम लोगों ने कर ली है, बट मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या थिंग्स जो है अटैच करने के लिए आई है. और उसके साथ में इसकी वायर सबसे पहले देखते हैं कि कितनी लंबी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है हेयर ड्रायर या हेयर ड्रेसर में, कि उनके वायर्स जो होते हैं वो थोड़ा बहुत ही छोटी उनकी वायर्स होती है. तो लेट्स सी. इम्प्रेसिबल, ये काफ़ी सही है यार. मतलब देखो देखो देखो, मतलब ये बहुत लंबी है, 2 मीटर से भी ज़्यादा लंबी. 1 और 2 मीटर से भी ज़्यादा लंबी है. नाउ मैं आप लोगों को बताती हूँ इसके अंदर सारे जो है वो उसको अटैच करके. कि सबसे पहले है हमारे पास में ये इसका हेयर ड्रायर, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है अभी कुछ दिनों में, कुछ दिनों से. तो निकल जाए यार, इसको करते हैं इसमें अटैच. तो ये है इसका यहाँ पे लॉक अनलॉक वाला बटन, यहाँ पे बना हुआ भी है कि यहाँ से लॉक है यहाँ से अनलॉक है. तो इसको नीचे करके और इसे अटैच करना है, दैट्स इट. तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. और ये यहाँ पे बस हो गया. सो सुपर इजी यार, ये बहुत इजी है. एंड लुक एट दिस, ऐसे ही मैं आपको सारे हमारे जितने भी टूल्स आए हैं उसे अटैच करके फटाफट से दिखा देती हूँ. ये है हमारी दूसरी टूल, जो कि है शायद एक ब्लो ड्रायर ब्रश है. और ये ऐसे ऐसे दोनों साइड हो जाती है, तो आई थिंक एक पार्टीशन और एक दूसरे पार्टीशन के लिए. बट डायसन की सबसे अच्छी बात ये है कि ये हीट प्रोटेक्टेड से बचाता है आपके बालों को, दैट्स वाई ये लोग इसे इतना कॉस्टली सेल करते हैं. और उसके साथ में ये एक और है मशीन, जो कि ब्लो ड्रायर जैसी ही है. आई डोंट नो, मुझे पढ़ना पड़ेगा कि ये क्यों अलग अलग है दोनों, या क्या यूज़ इनके आते हैं अलग अलग, वो एक बार मुझे पढ़कर ही पता चलेगा. एंड यप, ये लग गया है सेकंड वाला हेयर ड्रायर, हेयर ब्रश कुछ भी बोल सकते हो आप इसको. बट अगर आप मेरे जैसे लोग हो जो सैलून में जाते हो रोज़, और जिन्हें रोज़ हेयर स्टाइलिंग करनी पड़ती है, तो दिस इज़ दी बेस्ट थिंग फॉर यू गाइज. ये एकदम बहुत अच्छी चीज़ है. एंड अगेन एक और टूल हमारे पास आ गया है. इसको अटैच और डी अटैच करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है. ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, और सैलून लाइक फिनिश देता है ये घर पे. लुक एट दिस. ओके, नाउ लेट्स गो टू द मोस्ट अमेजिंग पार्ट, जिसके लिए डायसन सबसे ज़्यादा फेमस है. इसके कलर, हेयर कलर, हेयर कलर के लिए डायसन लाइक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है. इंडिया का तो मैं क्या ही बोलूँ, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है. और ये है, ये देखो, ये है हमारा हेयर कर्लर. इसमें एक छोटा बैरर भी आता है, ये थोड़ा है अगर आपको बड़े कर्ल चाहिए तो उसके लिए है. और इसके साथ में ये आता है एक छोटा कर्ल, जिसमें अगर आपको पतले या छोटे कर्ल चाहिए तो आप ये वाला बैरर यूज़ कर सकते हो, और बड़े कर्लर के लिए आप लोग ये वाला बैरर यूज़ कर सकते हो. आई एम सो हैप्पी, आई जस्ट वॉन्ट टू ट्राई इट एज सून एज पॉसिबल. तो आई होप देखेंगे कि ये कैसा वर्क करेगा. ओके, सो हमने साथ में मिलके अनबॉक्सिंग किया मेरे नए डायसन एयर रैप का, जो कि अभी नया एडिशन है. ये आपको नायका पे मिल जाएगा 45,900 का. मैंने भी वहीं से ही ऑर्डर करके मंगाया है. आई रियली लव इट. अगर आप भी मेरी तरह हो जो रोज़ हेयर स्टाइलिंग करता है, जिसे रोज़ रिक्वायरमेंट होती है, दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू ऑल्सो. प्लस ये आपको इसमें काफ़ी सारे अटैचमेंट्स आ जाते हैं, हेयर कलर, हेयर ड्रायर, ब्लो ड्रायर के लिए ब्रशेज आ जाती है. तो आई थिंक कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है अगर आपको रोज़ सैलून नहीं जाना है और सैलून लाइक फिनिश घर पे चाहिए. तो मुझे ये बहुत पसंद आया. अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका रिव्यू वीडियो भी बनाऊँ इसको यूज़ करके, तो आप मुझे कॉमेंट करके बताना. मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि आप लोगों के लिए इसका एक रिव्यू वीडियो भी लेकर आऊँ. एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. ओके बाय, अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम. लव यू ऑल.